भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक अपराधियों भगोड़ों को दुनिया में कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह न मिले, इसके लिए उनकी सरकार प्रयासरत है और उम्मीद है कि यह कोशिश रंग लाएगी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उत्पादक और उपभोक्ता को जितना संभव हो पाए उतना पास लाया जाए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा की इजाजत से इनकार करने के कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की बेंच में शुक्रवार को अपील दाखिल की, जिसे हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा कि ममता सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोटा, सीएम बीजेपी की यात्रा से डरी हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। राज्य में दो महीने तक चले चुनावी रण के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में कांग्रेस को 104 से लेकर 122 सीटें आ सकती हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में नया एंगल सामने आया है। मेरठ जोन के आईजी राम कुमार के मुताबिक घटना के बाद कुछ गाँव वालों के बयान लिए गए थे। इसमें जाँच के आधार पर महाव गाँव के एक जीतू नाम के जवान का नाम सामने आया है कि उसने इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारी है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सभी राज्यों में बहुमत से जीत रहे हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए सिब्बल ने भरोसा जताया कि कांग्रेस सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी पूरे जोर शोर से जीत रही है। पांच राज्यों में बेशक चुनावी रण थम चुका है, लेकिन राजनीतिक जंग नहीं थमा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि एक तुगलक की तरह और दूसरा औरंगजेब की तरह बर्ताव कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तबीयत खराब हो गई। गडकरी स्टेज पर ही बेहोश हो गए। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव उनके साथ मौजूद थे। गवर्नर ने ही उन्हें स्टेज पर संभाला। नितिन गडकरी को अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाला है, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता आया है। सीएम योगी का पार्टी में भी लगातार कद बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं वह बीजेपी के स्टार प्रचारकों में रहते हैं। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। ब्राजीलियन युवती से छेड़छाड़ के आरोप में दुबई पुलिस ने गुरुवार को उन्हें हिरासत में ले लिया था। हालांकि देर रात भारतीय दूतावास की कोशिशों के बाद उन्हें हिरासत से रिहा किया गया था। वहीं आज मीका की कोर्ट में पेशी थी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के पहले शेयर बाजार में तेजी दिखी। फाइनेंशियल और बैंक शेयरों में खरीदारी बढ़ने से सेंसेक्स 361 अंक मजबूत होकर 35,673 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 92 अंकों की तेजी के साथ 10,693 अंकों पर बंद हुआ।